तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त समीर मैकर, और आप देख रहे हैं समीर मैकर इट इज़ एट रिपेयरिंग चैनल। तो हमारे पास देख सकते हैं आवाजा का SSA 5000 DP, मतलब 500 वाट आवाजा एम्पलीफायर है। इसका फॉल्ट है, तो इसका फॉल्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो एसी वाल्व हम जब लगाते हैं इसमें, तो देख सकते हैं फ्रेंड फ्यूज जल जाता है। तो नया वाला फ्यूज हमने लगाएंगे इसमें। तो इसमें लगा दिया है, अब पावर स्विच को दबाएंगे हम। अब LED का बल्ब जो ग्लू हो रहा है देख सकते हैं, पावर दबाने के लिए, पावर दबाने तक ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, साउंड भी सुन सकते हैं। तो इसका डायरेक्टली शॉर्ट है, तो फ्यूज़ भी देख सकते हैं जल गया है। तो इसका सोल्यूशन हल कैसे निकालेंगे हम, तो हमारा साथ देखते रहिए, देखते हैं किस तरह से ये प्रॉब्लम कहाँ तक कहाँ से पहुँच गया है, तो उसी को निकल कर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए हमारा साथ। तो दोस्तों, हमारा जो इस बोर्ड का एक टंगस्टन खोलना है, शॉर्ट नज़र आ रहा है हमको, मीटर से कंटिन्यूस शो हो रहा है, लेकिन इसमें कंटिन्यूस शो नहीं होना चाहिए। तो इसका तो खोल के हम ट्राई कर लेते हैं पहले। तो इसका हम माइनस वाले पॉइंट को हम ये ग्राउंड इस पर हम रखेंगे, और इसके बाद एक एक करके हम चेक करते हैं शॉर्ट है, जैसे बोर्ड पे दिखाया था वैसा ही है। तो मेरे हिसाब से तो यही प्रॉब्लम होगा असेंबली का। तो इसका हम एक टेनिस्टर लगा कर देखते हैं। तो हमारा पास यही टंगस्टन है, देख सकते हैं नंबर 4007। तो इसको हम लगाकर ट्राई करते हैं। हौजा मशीन का जो स्क्रूप है थोड़ा लाग स्क्रूप जो रहता है थोड़ा हट के है, क्योंकि इसमें गम लगा होता रहता है लाट के ऊपर, खोलने में टाइट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो प्लास की मदद से ही हम इसको टाइट कर सकते हैं। तो इसका हम तो पूरा का पूरा वायर वीडियो में नहीं दिखाया हमने, पूरा का पूरा वायर खोल के रखा है हम यहाँ पे। इसको पहले हम लगा देते हैं, क्योंकि चेक करने के लिए थोड़ा हम टाइम लिया था, स्किप कर दिया था वीडियो।
तो हम इसको पूरी वीडियो पूरी बात हम आपको समझा देंगे, बारी बारी समझा देंगे आपको कहाँ से करके हमने ये प्रॉब्लम निकाला है हमने। वायर को लगाने से पहले हम एक बार मल्टीमीटर से ट्राई कर लेते हैं कि शॉर्ट अभी तक है या नहीं। ग्राउंड पर रख के प्लस को, अभी तक शॉर्ट है नहीं, शॉर्ट नहीं है अभी तक, शॉर्ट हट गया है। तो यहाँ पे शॉर्ट था तो अभी हम कंफर्म हो गया है, क्योंकि वही टेंडस्टर ख़राब था हमारे हिसाब से। अब सप्लाई देने से पता चलेगा इसमें, जब हम करंट लगाएंगे तब पता चलेगा कि इसमें चलेगा या नहीं चलेगा, शॉर्ट है या नहीं तो पता चलेगा। ट्यूजर कहाँ पे गया? अभी तो लेके आया था दो तो ट्यूजर, एक तो भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, कैमरा भाई पकड़ के रखो, तुम्हारा वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था तो आदमी नहीं है जो हमारे पास कस्टमर आया था, तो उसको बोला था, उसको बोला था तो हमारा तो बाहर काम है, तो हम एसी 220-230 बॉल हमारा पास रेडी है, और एम्पलीफायर का जो एसी का कोट है वो भी हम लगाया है, और पावर स्विच हम दबा कर देखते हैं, अभी तक शॉर्ट है, अभी तक शॉर्ट है, मतलब अभी तक शॉर्ट है, तो फिर से हमको ट्राई करना है तो कौन से पार्ट्स पे कहाँ पे शॉर्ट है। यही ड्राइवर बोर्ड पे हम फिर से ट्राई करते हैं। मेरे हिसाब से तो दोनों टेंडस्टर जो है वो दोनों टेंडस्टर ही शॉर्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दूसरा टेंडस्टर भी खोल लेते हैं फटाफट, ये भी शॉर्ट हो सकता है तो खोल के हम ट्राई करते हैं। बोट में लगा हुआ तो शॉर्ट दिखा रहा है। हम थोड़ा लात में थोड़ा ऑयल डाल देंगे क्योंकि खोलने में आसानी हो।
नया मिसिंग है, अभी तक कोई मैकेनिक ने इसको नहीं देखा। तो हमारा पास तो इमली लेके आता है, बड़ा बड़ा इमली लेके आता है, लेकिन ये तो 500 वाट का होगा। तो पहले तो हमारा पास यूट्यूब चैनल नहीं था, तो आसानी से हाथ से ही खोल दिया हमने। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ग्राउंड को हम, ये भी शॉर्ट है, शॉर्ट दिखा रहा है, तो दोनों के दोनों टेंडस्टर शॉर्ट है। तो अभी फिर से हम एक तो उठा लेके एक टेंडस्टर फिर उठा लेते हैं। हम ये भी टेंडस्टर आपको चेक करा देते हैं, कोई शॉर्ट नहीं है। तो इसमें शोल्डर को हमको साफ करना है। ये टेंडर तो हम हाथ से निकाला है, वायर जो लगाया है कंपनी के हिसाब से लगाया है, मैकेनिक को थोड़ा दिक्कत होता है खोलने में, तो भी तो काम करना ही पड़ेगा। हम कहाँ पर रखा, यही वाला है, तो इसको भी हम फटाफट इसको भी लट लगा देते हैं। कोई रेजिस्टेंस नहीं जला, कोई डायोड नहीं शॉर्ट, लेकिन मॉस्फेट भी सही है, लेकिन ये टेंडस्टर कैसे शॉर्ट हुआ, फिर से हम अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं, बाद ही हम शोल्डर करेंगे। फिर से एक बार हम मीटर से ट्राई करते हैं, वही कंटिन्यू सेट करके। अभी तो सही बता रहा है। फिर से एक बार हम पावर सप्लाई सप्लाई देख के, फैन हो गया एम्पलीफायर, अभी कोई प्रॉब्लम, कोई झंझट, कोई घनघन, कोई आवाज़ नहीं है फैन। तो 500 वाट का ये जो आपका जो प्रॉब्लम है, हम आपको बारी बारी से समझा देते हैं। एलईडी ग्लू हो गया है, पूरा जल गया है, यह भी लाइट आ गया है। पहले जो हमने चेक किया है, आपको पूरी तरह से हम समझा देते हैं। फ्यूज़ जल गया, दोनों का दोनों फ्यूज़ जल गया, इसका देख सकते हैं अच्छी तरह से जल गया है। और दोनों का दोनों वो जो टेंडस्टर रहता है डाइपर बोट में, ये शॉर्ट होने में इतना ट्रांसफार्मर से आवाज़ निकल आया, हमारा दुकान की जो लाइट है वो बंद होने का समय आ गया था।
फ्यूज़ कट गया, तो हमने बस गया। तो पहले हम इसे ट्राई किया, ट्रांसफार्मर सही है, डायोड भी सही है, दोनों का दोनों डायोड सही है, नीचे में एक डायोड लगा हुआ है वो भी सही है। फिर से हम मॉस्फेट को एक एक बारी बारी चेक किया है, कोई मॉस्फेट कोई शॉर्ट नहीं है। तो इस तरफ देखने में तो लगता है ड्राइवर बोर्ड सही है, कोई रेजिस्टर, कोई डायोड फटा नहीं, जला नहीं, कोई ट्रांजिस्टर भी फटा नहीं, जला नहीं, तो ड्राइवर बोर्ड में कैसे शॉर्ट हो सकता है। तो हमने सोचा तो बारी बारी चेक करते हैं। पहले इस तरफ का मॉस्फेट चेक किया, फिर इस तरफ की एक एक पिन उठा के हम चेक किया है, सही है। फिर हम ड्राइवर बोर्ड खोला है, ऐसे वाला कवर लगा हुआ है, ड्राइवर बोर्ड खोल लिया है, खोल के हम चेक किया है, एक तो ट्रांजिस्टर फुल शॉर्ट है और एक तो हाफ शॉर्ट है। लेकिन फुल शॉर्ट वाले पहले सेंस किया हमने, हाफ शॉर्ट वालों में थोड़ा हमको डाउट था, वो हमने मीटर मार दिया तो वो भी चेंज करना पड़ता है। लेकिन हमने एक टू लगा कर हम चेक किया तो भी सेम प्रॉब्लम है, और दूसरा को बाद में चेक किया सही निकला, पावर भी क्लियरली आ रहा है। तो फ्रेंड 3 महीना हो गया है यूट्यूब चैनल खोले हुए, तो वीडियो तो देखता है फ्रेंड लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता और लाइक भी नहीं करता। प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, समीर मैकर यूट्यूब रिपेयरिंग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो भाई, न्यू न्यू वीडियो डालेंगे, इससे भी अच्छा बड़ा बड़ा काम लेके आपको आपके सामने हाजिर होंगे और डालेंगे। और हम जो बातें बोल रहे हैं, हिंदी बात थोड़ा गलत होता है, हिंदी बात बोलने के समय में गलत होता है, काम की जब टाइम हो तो हिंदी बात बोलने में और काम करने में जो ब्रेन वहाँ पे लगाता हो तो प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड हमारी बातों को गलत मत समझिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा थोड़ा सही होगा, बातें भी थोड़ा सही होगा, और काम आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए हमको। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ऐसा प्रॉब्लम होगा तो सिंपल सा प्रॉब्लम ड्राइवर बेट में रहता है, डाइट में रहता है, शॉर्ट का प्रॉब्लम जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में होता है, और उसके बाद ड्राइवर बेट बोर्ड देखिए, डाइट चेक कर लिया आपने, मान लिया डाइट सही है तो भी शॉर्ट है, तो आहोजा मिसिंग में ज़्यादातर ड्राइवर बोर्ड में शॉर्ट होता है। उसके बाद ड्राइवर बोर्ड आपका सही है, फिर आप मस्पेट को चेक कर लीजिए, अगर मस्पेट में शॉर्ट नहीं है ड्राइवर बोर्ड देख लीजिए, ड्राइवर बोर्ड सही है तो मस्पेट डायोड को देख लीजिए, ये तीनों में तीनों शॉर्ट होने के बजाय कारण ये तीनों हो सकता है। तो फ्रेंड हम इसको साउंड देके को ट्राई करके दिखाते हैं हम। तो फ्रेंड हमारा बात थोड़ा तीखा है, तो भी प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता करके हमारा बातें भी अच्छी हो जाएंगे, और जो दूसरे चैनल की जो दोस्तों की जैसे बातें मीठी है वैसे ही हो जाएगा, नया नया चैनल है इसीलिए ऐसा बातें हो रहा है, तो दुआ कीजिएगा बातें अच्छी भी हो मीठी भी हो, और आपके लिए नया नया वीडियो डल सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बड़ा काम तो आ जाएगा, लॉकडाउन खुला है तो हम ऑडियो को चेक कर देते हैं।
तो दोस्तों हमारा जो ऑडियो चेक करने का केबल है बहुत लंबा है, क्योंकि हम खुद बनाया इसको, बहुत बहुत लंबा है। हमारा लैपटॉप यहाँ पर रहता है, यहाँ पर हमारा लैपटॉप रहता है दोस्तों, और वीडियो चला दिया हमने, और हमारा केबल वहाँ से एकदम हमारा दुकान के बाहर से बाहर तक जाता है। जब डीजे आता है तो चेक करने के लिए आसानी हो जाता है, तो इसको हम पीछे में लगाएंगे। उसके पहले हम एक स्पीकर को, दोस्तों हमारा जो प्रोसेस अब साउंड चेक करने का प्रोसेस, पीछे में कट लगाया है, स्पीकर का वायर भी लगाया हमने, तो इधर लैपटॉप में ऑडियो भी चल रहा है। तो हमारा काम है अभी तो पावर स्विच दबाना है, वॉल्यूम के हम माइनस कर लेते हैं वॉल्यूम को, फ्यूज टाइट कम हो गया था, तो हमारा जो लाइन प्रॉपर तरीके से मिल गया है। अभी मास्टर को हम घुमाएंगे थोड़ा, पता है जो स्पीकर है वो बाहर चल रहा है, छोटा सा बॉक्स है। तो हमने बोला था जो ये कस्टमर ने खोला है, वो साउंड का जो मालिक है वही खोला था, वही फिटिंग करेगा। तो आपके सामने ये साउंड का मालिक है, यही हमारा बॉस है, तो देख सकते हैं यही हमारा साउंड का मालिक, हमसे बहुत बड़ा बड़ा इमली लेके आता है। तो ये तो 500 का था हाउजा का, इसे भी बड़ा बड़ा काम लेके आता है। तो पहले तो हमारा जो यूट्यूब चैनल नहीं था, तो 3 महीने से खोला है हमने यूट्यूब चैनल। तो पहला वीडियो एम्पलीफायर का यही वीडियो हम डाल रहे हैं, तो अभी तो लॉकडाउन खुला है, तो एम्पलीफायर का काम आता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। इधर स्क्रूप है और इसको ड्राइवर यहाँ पे उल्टा कर घुमा लीजिए, तो हमारा काम तो हो गया है। वो दोनों ट्रांजिस्टर ही ख़राब था, तो अपने वीडियो में देख लिया है, समझा दिया है, तो प्रॉब्लम तो ऐसे ही होता है, शॉर्ट का प्रॉब्लम, बारी बारी आपको समझा दिया है। तो हमने बोला जो जिसने खोला है वही ने फिट करेगा इमली को। तो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि जब जब नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जल्दी से पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड।